गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। अगर आप मेरी बताई हुई 15 दिन इन एक्सरसाइज को फॉलो कर लेंगे तो आपके हिप बहुत ही अच्छी शेप में आ जाएंगे। अगर आपके हिप बहुत ज़्यादा फ्लैटन है तो उनको कर्व शेप मिलेगा, और अगर आपके हिप पर बहुत ज़्यादा फैट है तो वो टोन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपके हिप्स और आपकी थाइस बहुत ज़्यादा सेक्सी होने वाली है। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, बल्कि फॉलो भी करना होगा। फॉलो करने के लिए फटाफट से देख लेते हैं कौन सी है आसान सी एक्सरसाइजेस, और आपको 24 आवर्स में से सिर्फ 10 मिनट मुझे देने हैं और इनको फॉलो करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा अकाउंट है @ईशा मेहरा, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। गाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको बहुत थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जितना आप मेरा देख रहे हैं इतना स्पेस है तो इनफ है। अगर इससे ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वॉक लंजेस, राइट। इसके लिए आपको दोनों लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करना है ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर पाएँ। तो जो बिगनर है मैं इसलिए प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपको कैसे करना है। आपने एक टांग को आगे लेके जाना है, वन लेग को राइट वाली को, और बैक को आपने बिल्कुल साइड पे, यानी लेफ्ट वाली को बिल्कुल साइड पे रखना है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। नी आपका आगे नहीं जाएगा, आपको यहीं बेंड होना है, ठीक है। देन अप, जब आपकी मसल एंगेज होगी, मतलब जब आप बेंड होते हैं, ठीक है, इससे आपके थाइस को बहुत अच्छा कट मिलता है, आपका बैक बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ब्रीथ इन करना है, और जब आप ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मसल एंगेज हो रही है, राइट। ऐसे ही फिर हमें नेक्स्ट अपनी लेफ्ट लेग को आगे लेके जाना है, देन राइट को आपने बैक साइड पे रखते हुए अगेन डाउन अप, ठीक है। आप देख रहे हैं ना मेरा बैक स्ट्रेट है, देन मैं डाउन जा रही हूँ, तो इससे आपकी यहाँ का फैट, इनर थाई का फैट, आउटर का फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। 20 के आपने करने हैं 4 सेट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ब्रेक के, और आप भी इसको प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। डन। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है ये वाली एक्सरसाइज। मैंने आपको कम रैप्स करके दिखाए हैं, लेकिन आपको प्रॉपर जितना मैंने आपको बताया है सेम एज इट इज आपको इसके सेट्स क्रिएट करने हैं, फॉलो करना है, ओके। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। गाइज अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों को वाइड कर लेना है। हमने स्क्वाट पोजीशन में आ जाना है, ऐसे हिप को पीछे करते हुए अपने आपने जो हैंड्स हैं इस तरीके से लॉक करना है, देन राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच, और लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच, 1 2 3, ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स, ठीक है। और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स। ये बहुत अच्छा है आपके इनर थाई के फैट को रिड्यूस करने के लिए, आउटर को, और आपके काफ को, आपके ग्लूट मसल को। बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा आपको अपने बॉडी के अंदर, स्पेशली अपनी लेग्स के अंदर। और इनफैक्ट इसका डबल बेनिफिट क्या है, जब हम लेग्स की कोई भी वर्कआउट करते हैं, स्क्वाट करते हैं, लंजेस करते हैं, तो ये जो आपका लोअर टमी होता है ना, जो ऐसे सैक कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, उसको ये कंट्रोल करता है और फॉर्म करता है, टाइट करता है। तो ये आपके टमी पर भी सेकेंडरी मसल है जो इफेक्ट देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। तो
तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, जंप करना है, देन स्क्वाट करना है। ये बहुत अच्छी है आपके हिप के मसल को ग्रो करने के लिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। तो आपको इसको करना है 20 टाइम्स, राइट? और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपनी पहले स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है, अपने आर्म्स को अप करना है, अपनी लेग को साइड लेके जाना है, इसको आप स्ट्रेट रखेंगे, इसको आप बेंड रखेंगे, और फिर आपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हील को यानी एडी को टच करना है, बैक आना है, देन सेम अदर साइड वाली जो लेग होगी वो आपकी बेंड होगी, ये स्ट्रेट रहेगी, देन अदर हील को टच करना है यानी एडी को, देन बैक, राइट? तो ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करो यार, अभी बहुत जोश आपके अंदर, फटाफट से कर सकते हो। और जब आप 20 रैप्स करते हैं उसके बाद 10 सेकेंड्स का रेस्ट लें, देन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, सेम जगह पे खड़े खड़े रनिंग करना है, राइट? बहुत आपने एकदम से हाई इंटेंस वाला नहीं करना। रनिंग करने से भी आपकी लेग्स को बहुत अच्छा टोन शेप मिलता है और वहां का फैट रिड्यूस होता है। तो सेम जगह पे खड़े खड़े, राइट? कैसे करना है देखते जाइए। यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्काईजैक्स। स्काईजैक्स के लिए आपको क्या करना है, अपने पंजों पर जंप करना है। किस तरीके से, अपनी हैंड को मूवमेंट देना है, देखते जाइए कैसे। आपको अपनी हील को टच नहीं करना है, हील को टच करेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप जंप नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हैंड को मैट पे प्लेस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेग को आगे लेकर जाना है, देन डाउन, ठीक है? आउटसाइड आपको करना है, देन इन करना है, आउट इन। ऐसा आपको 20 बार करना है, वो भी वन साइड, और उसके आपको करने हैं 4 सेट्स, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऐसा ही हमें सेम अदर लेग पे भी करना है। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस कर लीजिए, अपनी दोनों लेग्स को थोड़ा सा गैप मेंटेन करें दोनों लेग्स के बीच में। देन उसके बाद हमें करना है डोंकी किक्स। अपने हिप को बैक साइड पे से बिल्कुल अप कर लीजिए, कमर को आपने डाउन करना है, नेक को आपका बिल्कुल ऐसे अप रहेगा, स्ट्रेट आप देखेंगे। देन आपने लेग को अप, देन उसी पोजीशन पर राइट, अगेन अप डाउन। आपने टच नहीं करना है अपने नी को मैट से, बस उस पोजीशन पर आपको वापस लेकर आना है। 20 टाइम्स आपको परफॉर्म करना है और इसके करने हैं आपको 4 सेट, बट आपको ये बोथ लेग करना है। मैं आपको वन साइड करके दिखाऊंगी, आपको दोनों साइड इसको परफॉर्म करना है। रिलैक्स, यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग पुल, ठीक है। कैसे करना है, आप मैट पर इस तरीके से अपने हैंड को प्लेस करें, अपने पंजों पर आ जाएं, आपने वन लेग को अप करना है, पुल डाउन, अदर लेग को पुल डाउन। ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। तो चलिए एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। रिलैक्स, यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आने के लिए अपना प्यार जाहिर करो, जिसके लिए खूब सारी कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार करते रहो। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी कुछ और बेहतर एक्सरसाइजेस के साथ। वैसे आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस बॉडी पार्ट पे एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ईशा आपके सामने वो ही लेकर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।